Good morning, everyone. Hope all of you are fine and safe at your homes. Dear kids, in last classes, we have completed our topic factors. Factors hum already complete kar chuke hain. Chapter 7 is about factors and multiples. Hamara jo chapter 7 hai, wo kiske regarding hai? Factors and multiples. To factors humne kiya first exercise mein. Next hai hamara multiples. Ab multiples kya hota hai? जो कि नेम से ही डिफाइन कर रहा है मल्टीपल्स मींस बाय गेटिंग मल्टीप्लाई मींस जो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करके हमें एज अ आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल. अब उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी इसको डिफाइन कैसे करेंगे. मल्टीपल क्या होता है. अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर. मीन्स एक मल्टीपल क्या है प्रोडक्ट रिजल्ट है. मींस मैं व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स और उन टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट आता है एज अ रिजल्ट वी गेट अ प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर. टेक एन एग्जांपल लेट अस लर्न विद एन एग्जांपल की मल्टीपल क्या होता है. हेयर आई राइट हेयर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12. अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे कि 4 और 3 12 के फैक्टर्स हैं. ये आपने ऑलरेडी किया है. अब हम कर रहे हैं डिस्कस मल्टीपल्स को कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. अब यहां पे जो 12 है वो 4 का भी मल्टीपल है एंड 3 का भी मल्टीपल है. 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3 ऑल्सो. मीन्स जब हमने इन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो उनको मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आई तो ये प्रोडक्ट हमारे इन नंबर्स की क्या होती है मल्टीपल. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स. फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं. जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके आंसर जो हमारा आता है दैट आंसर इज कॉल्ड द मल्टीपल्स. और उस मल्टीपल्स मींस यहाँ पे हमारा मल्टीपल क्या है 12. तो ये 12 हमारा किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई है 4 एंड 3 की. तो यहाँ पे 12 के जो फैक्टर्स है वो 4 एंड 3 है एंड 4 जो 12 है वो क्या है 4 का भी मल्टीपल है 3 का भी मल्टीपल है. क्लियर. अब 12 के फैक्टर्स तो डिफरेंट हो जाएंगे बट जब हम 4 और 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे तो उन मल्टीपल्स में से एक मल्टीपल क्या आएगा 12. क्लियर. तो यहाँ पे 4 एंड 3 आर द फैक्टर्स. ये हमारे फैक्टर्स बोले जाते हैं एंड दिस नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल बिकॉज इन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने जो आंसर निकाला वो हमारा क्या है मल्टीपल. सो हमारा टूडेज टॉपिक इज मल्टीपल. हमारा क्या है आज का टॉपिक मल्टीपल. हाउ वी फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर. अगर हमें कोई नंबर गिवन है फॉर एग्जाम्पल आई राइट 7 और आपको 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं. अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे आप चेक करोगे कौन सी टेबल्स में 7 आता है किस टेबल से 7 डिवाइड होता है. तो 7 किस से डिवाइड होता है ओनली 1 और 7 से. 1 की टेबल से डिवाइड होता है एंड 7 की टेबल से डिवाइड होता है. तो इसके फैक्टर्स क्या हुए 1 एंड 7. बट हमें इसके अब मल्टीपल्स निकालने हैं. जब मल्टीपल्स निकालेंगे तो हम इसके ऐसे डिवीजन से या मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे सॉरी मल्टीप्लाई करके तो निकालेंगे बट उसका मेथड क्या होगा हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा. मल्टीपल्स अब हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं. हमने क्या था कि हम किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज लिमिटेड. किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड है हम सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. बट किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं दे आर नॉट लिमिटेड. वो लिमिटेड नहीं है एंडलेसली है मीन्स इनफाइनाइट है. आप सारे मल्टीपल्स नहीं निकाल सकते. तो अब अगर हमें 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो 7 को हम क्या करेंगे 7 बन जा 7 7 टू जा 14 7 थ्री जा 21 7 फोर जा
28, 7 5 जा 35। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 7 के मल्टीपल्स निकाले। 7 को हमने क्या किया, फर्स्टली 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 से, 3 4 5। आप कितने भी नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जो लास्ट में हमारी प्रोडक्ट आएगी ना, दीज नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी प्रोडक्ट आ रही है, ऑल दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 7। ये सारे नंबर्स क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7। ये आपके 7 के मल्टीपल्स है, मींस आप 7 को कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। अब यहाँ पे जो 7 है वो 1 का भी मल्टीपल होगा, 14 जो है वो 7 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है। मींस जो हमारे दोनों फैक्टर्स हैं, तो जो आंसर है हमारी प्रोडक्ट वो उन दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल होती है। यहाँ पे 21 के जो है 7 और 3 क्या है, 21 जो है 7 और 3 दोनों का मल्टीपल है। सो इन दिस वे वी फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर बाय मल्टीप्लाइंग। तो आप किसी भी नंबर के कितने भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अगर 10 मल्टीपल्स निकालने हैं, 20 मल्टीपल्स निकालने हैं, 5 मल्टीपल्स निकालने हैं, तो आप उस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। सो अब हमने जैसे फैक्टर्स में कुछ पॉइंट्स किए थे, तो सेम पॉइंट्स आर हेयर। फैक्टर में हमारा क्या होता था, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये होता था ना। तो 1 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, बिकॉज यहाँ पे 1 से जब हम मल्टीप्लाई करके गेट करते हैं नंबर, तो एज अ प्रोडक्ट क्या आता है, दिस नंबर वी गेट हियर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, एंड 1 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। सो देर आर सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर, सर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज देयर रिगार्डिंग मल्टीपल्स, लेट अस सी दैट पॉइंट्स फर्स्टली। So dear students, there are some points to remember regarding multiples. So multiples के जो important points है वो क्या है, first is every number is a multiple of 1. अभी हमने किया था कि जो भी number है, जितने भी हमारे numbers है वो 1 के multiples होते हैं, और 1 क्या है, सभी multiples का क्या है, factor है। ये जो दोनों points है वो क्या है, एक दूसरे के opposite है। For example, see here, 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8, मीन्स यहाँ पर क्या है, जो 1 है वो 8 का फैक्टर है, एंड जो 8 है वो 1 का मल्टीपल है। आप किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट द नंबर सेम एज अ प्रोडक्ट। तो जब भी किसी नंबर को यहाँ पे 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे, तो वही नंबर एज अ प्रोडक्ट आएगा, एज अ प्रोडक्ट आएगा। इट मीन्स जो 1 है वो सभी नंबर्स का फैक्टर है, और जो सभी नंबर्स है वो 1 के मल्टीपल्स है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हमने इसी एग्जांपल में ये पॉइंट भी क्लियर कर लिया कि जितने भी जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या है, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ, मींस वो अपने आप के ही मल्टीपल है। यहाँ पर 8 क्या है, 1 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। मीन्स हमारे दोनों पॉइंट्स क्या है, एक ही एग्जाम्पल से क्लैरिफाई हो रहे हैं। यहाँ पर 8 क्या है, 1 के लिए भी है और 8 के लिए भी मल्टीपल है, मीन्स दोनों के लिए ये मल्टीपल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 क्या है, हर नंबर का मल्टीपल होता है, बिकॉज जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द आंसर सेम 0। यहाँ पे क्या है, 0 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स 0 क्या है, 0 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो नंबर क्या बनेगा, 0 का मल्टीपल हो जाएगा, बिकॉज आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट, देयर इज नो लिमिट टू मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। दिस पॉइंट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि हम जिस नंबर के मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करना है, उस नंबर को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके मल्टीपल्स उतने ही आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स। तो 2 के मल्टीपल, जब भी हम मल्टीपल्स राइट करते हैं, तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, राइट द टेबल ऑफ द नंबर। जो नंबर हमें गिवन है उसकी हम क्या कर रहे हैं, टेबल राइट कर रहे हैं। तो हमने अगर 2 की टेबल राइट की, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8, 2 फाइव जा 10। अब हम इस टेबल को क्या है, जितनी बार भी इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को, तो ये हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा।
अगर हमने इसको राइट किया अप टू 200, क्या हमारे मल्टीपल्स यहाँ पे स्टॉप हो गए, कंप्लीट हो गए? नो, बिकॉज 2 के मल्टीपल्स क्या है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम इसको ले जाएं 4326 तक, तो यहाँ पे हमारे स्टॉप हो जाएंगे? नो, इनफाइनाइटली मीन्स ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। जो हमारे मल्टीपल्स होती है उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, फैक्टर से अपोजिट है, फैक्टर की हमारी क्या होती है, लिमिट होती है। हमें बिगेस्ट फैक्टर का भी पता होता है, स्मॉलेस्ट का भी। इसमें सिर्फ हमें स्मॉलेस्ट पता है कि हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या आएगा, जो मल्टीप्लाईगा द नंबर इटसेल्फ। उसमें क्या आता था, द नंबर इटसेल्फ इज द बिगेस्ट फैक्टर। किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकाल लेते थे तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता था, द नंबर इटसेल्फ। बट इसमें क्या है, इसमें जो नंबर इटसेल्फ है मींस जो प्रोडक्ट निकाल के हम नंबर निकालेंगे, तो प्रोडक्ट इटसेल्फ जो आएगी वो क्या आएगा, फर्स्ट मल्टीपल आएगा। सो एवरी मल्टीपल एक्सेप्ट जीरो इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। अब इसमें हमारा क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो इज देयर ना, अगर जीरो को छोड़ के हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। जो हमने एग्जांपल्स लिए, मल्टीपल ऑफ टू लिए, हमने टू के जो मल्टीपल्स निकाले थे उसमें क्या है, हमारा मल्टीपल या तो टू के इक्वल आ रहा है या टू से ग्रेटर आ रहा है, उससे स्मॉल तो नहीं आया। अगर हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आएगा, अदरवाइज हम मल्टीपल्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जब हम मल्टीपल्स निकालेंगे, तो मल्टीपल्स जब निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वन से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई, एंड जब हमने मल्टीप्लाई वन से स्टार्ट की तो फर्स्ट नंबर, हमारा फर्स्ट मल्टीपल क्या है, इक्वल टू द गिवन नंबर या ग्रेटर देन द गिवन नंबर। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये है। सो डियर स्टूडेंट्स, लर्न दीज पॉइंट्स, रीड द पॉइंट्स केयरफुली, बिकॉज ये आपके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, जो गिवन नंबर्स है उनके आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं। सो मल्टीपल्स में हम क्या राइट करते हैं, मल्टीप्लाई द नंबर्स विद 1, 2, 3, कंटिन्यूअसली हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द होल नंबर्स। जब उनसे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द टेबल ऑफ द नंबर। तो हम क्या करते हैं, टेबल राइट करते हैं। तो यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 6 1 6, 6 2 12, देन 6 3 18, लाइक दिस यू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द 6। अदरवाइज वी कैन, इट इज अ टेबल ऑफ 6, क्या है ये 6 की टेबल है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने, मींस हमने 1 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट किया, देन 2 से किया, देन 3 से किया, देन 4 से किया। इस टाइप में जब हम इसके मल्टीपल्स निकालेंगे तो हमारे मल्टीपल्स क्या आएंगे, 6 की टेबल आएगी। सो वी कैन डायरेक्ट राइट द टेबल फॉर द मल्टीपल्स। अब आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने, इट मीन्स आपको 6 की टेबल, 5 ज्यादा जितने नंबर्स आते वो आपको राइट करने 6 की टेबल में। सो मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, 6 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, फर्स्ट मल्टीपल क्या आएगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। मीन्स हमें टेबल कहां तक लेके जानी है, 5 जा तक। हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए, यस 1 2 3 4 5, दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। वेरी इजी, यस। आप इसको मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो कि आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, देन 2 से, देन 3 से। अदरवाइज यू कैन डायरेक्ट रीड द टेबल एंड देन राइट द मल्टीपल्स। सेम मल्टीपल्स ऑफ 9, जो मेथड आपको इजी लगता है यू फॉलो दैट मेथड, मल्टीपल ऑफ 9। सेम राइट, 9 की टेबल कहां तक रीड करनी है, 5 ज्यादा, क्योंकि हमें क्या करने है, ओनली 5 मल्टीपल्स हमें राइट करने। सो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। सो दिस इज आवर आंसर, मल्टीपल्स ऑफ 9 आ गए आपके 9 के। देन फॉर द सेम 12,
मल्टीपल्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, अब 12 की टेबल भी आपको क्या करनी है, 5 जा तो क्रिएट करनी है, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60। क्लियर, आ गए आपके 12 के भी। 10, 10 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 10 फोर जा 40, 10 फाइव जा 50। वेरी इजी क्वेश्चन, यस। सो फॉर 15, मल्टीपल्स ऑफ 15 इज, अगेन राइट द टेबल ऑफ 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, 15 फाइव जा 75। फॉर 20, अगर आपके ज्यादा बिग नंबर्स आ रहे हैं, आपको टेबल लर्न नहीं है, तो आप अपना मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड में आप क्या करोगे, जो आपको नंबर गिवन है उसको आप क्या करोगे, फर्स्टली 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 20 की टेबल तो इजी होती है, तो आप 20 की टेबल तो इजिली रीड कर सकते हो। तो 20 थ्री जा 60, 20 फोर जा 80, 20 फाइव जा 100। तो 5 तक मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीपल्स ऑफ 20 हमारे क्या आए, मल्टीपल्स ऑफ 20 यू कैन राइट हियर 5 मल्टीपल्स ऑफ 20, बिकॉज हमें 5 निकालने हैं ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकाले हैं, 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 क्या आएंगे हमारे, फर्स्ट इज 20, देन 40, देन 60, 80 एंड 100। सो दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20। सेम फॉर 11, राइट हियर 5 मल्टीपल्स ऑफ 11, 11 की टेबल आप रीड करोगे, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44, 11 फाइव जा 55। नेक्स्ट इज 30, सो अगेन राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 30। हमारे के 30 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 31 वन जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120, 35 जा 150। सो दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 30। सो डियर किड्स, इन दिस वे यू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। आप डायरेक्ट टेबल राइट कर सकते हो, अगर आपको टेबल लर्न नहीं है देन यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो। उसको मल्टीप्लाई करोगे और कहाँ से स्टार्ट करोगे मल्टीप्लीकेशन, फ्रॉम द 1। आप कंटिन्यूअसली जो आपकी काउंटिंग होती है उससे आप स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट स्किपिंग एनी नंबर। आप किसी भी नंबर को बीच में लेफ्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकले हैं। तो आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कैसे आएंगे, फर्स्ट 5 नंबर्स को मीन्स 1 to 5 तक के नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज आवर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।